नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर बाराबंकी से है। वन माफियाओं द्वारा लगातार हरियाली पर चलाया जा रहा आरा, जिम्मेदार भी शामिल। असंदरा बाराबंकी कोतवाली क्षेत्र असंदरा क्षेत्र के भटिया ग्राम में हरे आम के पेड़ ठेकेदार कल्लू पुत्र सतार निवासी असंदरा द्वारा हरियाली को काट कर नष्ट किया जा रहा है। जिले में जहां एक तरफ जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, वहीं हरक वन विभाग हरियाली को नष्ट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के असंदरा कोतवाली से चंद दूरी पर भटिया मोड़ के पास आम के हरे पेड़ काटे गए। वन विभाग द्वारा ठेकेदारों पर ठोस कार्यवाही न होने से वन माफिया हरियाली को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रतिबंधित पेड़ों की कटान जोरों पर जारी है। वन विभाग की मिली भगत से हरे पेड़ों पर धड़ल्ले से आरा चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ घंटों में लकड़ी भी गायब कर दी जाती है। जब इसकी सूचना वन विभाग को दी जाती है तो नाम मात्र का जुर्माना लगाकर अपना कोरम भरकर वापस चले जाते हैं। वन विभाग पूरी तरह वन माफियाओं के हिसाब से चलता है। आए दिन हरे पेड़ों की कटान होती रहती है। जब इसके बारे में रेंजर से जानकारी ली गई तब उन्होंने परमिट होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हरे पेड़ों पर परमिट कैसे जारी की गई। मध्यांचल ब्यूरो, राम प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट।